टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबर है। आज की खबरें सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा और अगर मजा आता है तो लाइक भी करना। वैसे आप लोग बहुत सारे लाइक्स करते हैं टेक्नोस पर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमने दो इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर दिया, आईफोन 14 सीरीज का IQOO Z6 Lite 5G, जाइए देखिए, इधर भी कार्ड मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा, एंजॉय करिए। और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अभी आ रहे वीडियोस, सेल भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। टेक्टम्बर ऐसे कुछ बोलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लाइक करिए, बहुत सारे लाइक, खूब सारा प्यार। फटाफट से आज के टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं टेक्नो भैया से। देखिए, टेक्नो वाले भी आजकल बड़ा कमाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्राइस पर फोन्स लॉन्च करते हैं। बस एक सॉफ्टवेयर ही जो होता है हमें कंप्लेंट रहता है, बाकी तो ठीक है। अब टेक्नो वाले नया फोन लॉन्च कर रहे हैं, किमॉन 19 प्रो मॉन्ड्रेन। ये कलर चेंजिंग बैक के साथ आएगा, एकदम मल्टीपल कलर आपको बैक मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ में 8128 ऐसा वेरिएंट होगा, इसमें 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा, जिसमें OIS भी होगा, 50 मेगापिक्सल का एक और होगा, जी हाँ। और साथ में बड़ी डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, और हीलियो G96 होगा। ये थोड़ा ठीक है, लेकिन ये बोल रहे कि 15,000 से 20,000 के बीच में लॉन्च कर रहे हैं। सोचो कितने सारे इसमें यूनिक फीचर्स है। अगर ऐसा होता है तो मजा आएगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग करने की, देखूंगा कि ये खास कितना होता है, उसके लिए बने रहना। फाइनली मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा मोटो एज 30 फ्यूजन इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, और हम कोशिश करेंगे उसी दिन ही आपको दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग दे दें। हाँ, एक ही दिन में दो ट्राई करेंगे। बहुत ही पावरफुल तगड़े फोन्स होंगे। अल्ट्रा तो भाई थोड़ा प्रीमियम फोन है, बहुत सारे 200 मेगापिक्सल कैमरा, 125 वाट टर्बो चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, 60 मेगापिक्सल सेल्फी, और भी बहुत सारी चीज़ें। और एज 30 फ्यूजन जो है वो कुछ स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ है, 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, तो अलग अलग प्राइस कैटेगरी होगी। देखते आने दीजिए कितना खास होता है, 13 तारीख को सब पता चलेगा। एप्पल की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन 14 सीरीज जैसे इंडिया में लॉन्च हुआ, उसके बाद तुरंत एप्पल ने आईफोन 11, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। मतलब अब लोगों को जो पुराने फोन्स परचेस करना रहेगा तो वो क्या करेंगे? वैसे भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पर सेल पर तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा एप्पल की तरफ से ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो गया है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे भी मुझे कुछ खास लगा नहीं आईफोन 14 सीरीज, इतना भी कोई मेजर अपग्रेड नहीं लेके आया, जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ है। बट हमने कोशिश किया है एक फ़ोन उसमें से उठाकर आपको अनबॉक्सिंग देंगे, कंपेयर करेंगे, उसके लिए आप बने रहना। अगर आप Realme का फोन इस्तेमाल करते हैं तो Realme UI 4 का अपडेट बड़ी ही जल्दी आपको मिलेगा। चाइना की अपडेट लिस्ट तो बाहर आ गई है, आप खुद देख सकते हैं, काफी सारे फोन से अगस्त से लेकर 2023 की शुरुआत तक। बट ये चाइनीज लिस्ट है, अपने इंडिया के फोन इसमें मत खोज करिएगा, वो ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगी। और Realme UI 4 का फर्स्ट लुक भी आ गया है, आप खुद देखिए। पहले तो अपडेट साइज ही देख लीजिए, कुछ 5 GB से ज्यादा है इसमें। वैसे Realme UI 3 दिखा रही है, शायद बग है, बट Android 13 पर ये बेस्ड होगा। और फोल्डर्स भी काफी बड़े बड़े और विजेट्स देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, तो हाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट यहां पर किया गया। बाकी हम अपडेट करके आपको बताएंगे कि Realme UI 4 कितना खास होता है। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि OnePlus वाले इस साल अपना एक नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। उन्होंने कुछ वैसे ही नाम दिया है, बट ये होगा OnePlus का 11 सीरीज, प्रोबेबली OnePlus 11 Pro, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट आपको मिलेगी। और इस साल हमें बहुत सारी कंपनीज, जब ये चिपसेट आ रहा है ना, कुछ नवंबर 14 तारीख को आई थिंक क्वालकॉम का समिट होने वाला है हवाई में, हमको भी बोला गया है, कोशिश करेंगे हम वहां तक अगर जा सकते तो आपको वहां से कुछ बताएंगे, देखते। तो हाँ, ये हो रहा है, देखते हैं OnePlus वाले के साथ साथ और कौन सी ब्रांड क्या खास करती है, ये चिपसेट कितना अच्छा होता है, उसके लिए आप बने रहना। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अचानक से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब हो गया। बाद में हमें यह पता चला कि भाई कुछ प्राइवेसी इश्यूज था, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऋषभ, ये वॉर क्या है ये भाई, वॉर मानिया, हाँ, इसके CEO है, उन्होंने ये बताया कि कुछ प्राइवेट मीटिंग्स हो रही है बिटवीन क्राफ्टन एंड गवर्नमेंट, और उसके बाद अब इस गेम को दोबारा इंडिया में लाने की प्लान हो रही है। यानी कि जो भी इश्यूज थे सर्वर वाले वो फिक्स्ड किया जाएगा और गवर्नमेंट को बोलते ना दिलासा दिया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसको इंडिया में लेके आएगी। इनफैक्ट कुछ फोटोज भी यहां पर आप देखेंगे गेम के बाहर आए थे, प्लेयर आईडी प्रॉपर नहीं शो करता है और दूसरे सर्वर पर कुछ दिखाने की बात कर रहा है, तो वहां पर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है और जल्दी ही ये गेम ऑफिशियली आ जाएगा और फिर आप उसको आराम से इंडिया में खेल सकेंगे। वैसे एयरटेल वाले ने भाई सबको खुलेआम बता दिया है, जो एयरटेल के यूजर्स स्पेशली, कि भाई आप अब जब भी फोन परचेस करें तो भाई 5G वाला ही लेना,
क्योंकि हमारा एयरटेल 5G बड़ी ही जल्दी आने वाला है। उन्होंने ऐसा बोला कि एक महीने का टाइम है जब एयरटेल 5G हम अवेलेबल कर देंगे, और इस साल की एंड तक 2023 की एंड तक ये सब कुछ अलग अलग सिटीज़ में इधर उधर करके उन्होंने बाकी के प्लान्स बताए, लेकिन एक महीने में वो अपने एयरटेल 5G को अनाउंस करेंगे। जैसे कि जियो ने बोला ना कि दिवाली तक 4 की सिटीज़ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली इधर आएगा, वैसे भी मुझे लगता है कि एयरटेल वाले भी कुछ करेंगे। अक्टूबर तक शायद हमें पता चल जाएगा कि एयरटेल 5G इंडिया में कितना जल्दी आ रहा है। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा USB केबल चाहिए, 2-in-1 टाइप सी माइक्रो USB दोनों होना चाहिए, ब्रेडेड, लंबा सा 1.5 मीटर, तो ये है बोट वाला, और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 330 रुपये का है, बहुत काम आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल चार्जर्स के भी केबल खराब हो जाते हैं, ये वाला यूज़ करिए, फुल इन्जॉय करिए। गेमिंग की बात करते हैं भाई, तो बताया जा रहा है कि इंटेल एक बजट गेमिंग चिपसेट पर काम कर रहा है जो फ्यूचर में हमें लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में मिलेंगे, i5-13400। ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है और उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जिनको बजट में एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो ये काम कर रहे हैं और आपके लिए मुझे लगता है बढ़िया चिपसेट होगी। क्या आपको बताया दोस्तों, फर्स्ट नॉन ह्यूमन जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला वो कौन था? लेजेंडरी मिक्की माउस। जी हाँ, आज के रिव्यू से खत्म नहीं करता। आपको आज के रिव्यू पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।